बेवकूफ औरत अपने खावंद को अपना गुलाम बनाती है और खुद गुलाम की बीवी बन जाती है। जबकि अकलमंद औरत अपने खावंद को बादशाह बनाती है और खुद बादशाह की मलिका बन जाती है। जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। दुआ मांगते रहो, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन तो सिर्फ हमारी सोच में है, अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अपनी गलतियों से तकदीर को बदनाम मत करो, क्योंकि तकदीर तो खुद हिम्मत की मोहताज होती है। दुआ दस्तक की तरह है, मुसलसल दस्तक से दरवाजा खुल ही जाता है। जो तुम्हें खुशी में याद आए, समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना है। बेऐब इंसान तलाश मत करो, वरना अकेले रह जाओगे। अगर तुम उसे ना पा सको जिसे तुम चाहते हो, तो उसे जरूर पा लेना जो तुम्हें चाहता है, क्योंकि चाहने से चाहे जाने का एहसास ज्यादा खूबसूरत होता है। अगर किस्मत का लिखा सब कुछ होता, अगर किस्मत का लिखा सब कुछ होता तो अल्लाह इंसान को दुआ मांगना कभी ना सिखाता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा की वफात के बाद उनकी कब्र पर गए। आप अपनी वालदा से मुखातिब होते हुए फरमाया, प्यारी अम्मी जान, मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूं। अगर आप हुक्म दें तो मैं अल्लाह से आपकी जिंदगी मांगू। हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, दुनिया और इसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मगर मैं मौत की तकलीफ दोबारा नहीं सह सकती। अल्लाहु अकबर, यह एक नबी की मां का कहना है, और हम जैसे गुनहगारों की मौत कितनी तकलीफ दे होगी। या अल्लाह हमें माफ फरमा, या अल्लाह हमें माफ फरमा, या अल्लाह हमें माफ फरमा। अगर आपको यह बात अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें।